सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सभी का मकसद एक है, भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटों पर जीते। हमारा बूथ सबसे मजबूत, हर बूथ से हमने कार्यकर्ता बुलाए। सर जल्दी ये लोग कह रहे हैं कि हमारी बैठक में बुलाया नहीं गया, हमको बात नहीं की गई हमसे, काय कॉल की बैठक। सर जल्दी मोदी जी के ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने अपनी मनमानी कर ली, बैठक में बुलाया नहीं गया, और जो सिनेरियो कल हुआ है उसको कैसे देखते हैं, इससे जनता के मन में क्या फर्क पड़ रहा होगा? देखिए, अभिनंदन की वापसी से हर भारतवासी का माथा गर्व से ऊंचा हुआ है। आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और पूरे विश्व के वैश्विक दबाव के कारण से, माननीय मोदी जी के कारण से, आज उसे झुकना पड़ा और उसे वापस करना पड़ा। जहाँ तक विपक्ष की आप बात कर रहे हो, यही विमान, यही बारूद, यही सैनिक जब उनकी सरकार थी तब भी थे, लेकिन कभी उन्होंने 1700 से ऊपर लोग प्रभावित हुए बम्बई बम ब्लास्ट में, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की थी। हमने 3 बार इन 4 सालों में स्ट्राइक किए। म्यांमार में हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और अभी परसों फिर एयर स्ट्राइक करके हमने भारत को, विश्व को बताया है कि भारत कमजोर देश नहीं, चालू हो गई रैली। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।